तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जी हाँ, हम आपको यहाँ पर अपडेट देंगे आज मोस्ट वीडियो, जी हाँ मोस्ट अवेटेड वीडियो, वुमेन्स नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो पहला दिन होने वाला है उसके ऊपर हम पहला भी बात करते हैं। तो जो 9 जनवरी को यानी कल से पहला दिन हो जाएगा, सुबह 9 बजे के मैचेस कुछ इस प्रकार से होंगे, जो कि सुबह सवे 9 बजे शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे कर्नाटका खेलते हुए वेस्ट बंगाल से उद्घाटन मुकाबला रहेगा। उसके अलावा आपको सेकेंड गेम खेलते हुए मिलेगी हरियाणा और ओडिशा, तीसरा गेम आपको खेलते हुए मिलेगी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और चौथा गेम आपको खेलते हुए मिलेगी केरला और दिल्ली। इस तरह से रहेगा यह पहला दिन का पहला राउंड ऑफ द गेम्स, जिसमें 9 बजे आपको 4 गेम्स देखने मिलेंगे। 1 बजे फिर से शुरू हो जाएगा कारवा और फिर से 4 गेम्स आपको देखने में मिलेंगे, जहां पे आपको मिलतेंगी 4 और टीमें खेलते हुए, 4 और मैचेस माफ कीजिए, 8 टीमें 4 और गेम्स खेलते हुए मिलेंगे। वहां पर राउंड में शुरू होगा मध्य प्रदेश खेलेगी गुजरात के साथ, उसके अलावा बी ग्रुप में राजस्थान खेलेगी झारखंड के विरुद्ध, तीसरे ग्रुप में आपको तेलंगाना मिलेगी चंडीगढ़ के विरुद्ध, और चौथे ग्रुप में आपको तमिलनाडु मिलेगी असम के विरुद्ध। इस तरह से खेलते हुए ये 4 गेम्स और होंगे, जो कि 1 बजे से शुरू हो जाएंगे कल राउंड ऑफ शेड्यूल में। तो दूसरे दिन के गेम्स कुछ इस प्रकार से शुरू होंगे, सुबह 9 बजे के लिए 10 जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो सुबह 9 के गेम्स इस प्रकार से होंगे। गुजरात खेलेगा वेस्ट बंगाल से पहले गेम में, मतलब 10 जनवरी के पहले गेम में उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद रहेगा बी ग्रुप में आपको मिलेगी ओडिशा खेलते हुए झारखंड के विरुद्ध, उसके अलावा आंध्र प्रदेश खेलते हुए मिलेगा चंडीगढ़ के विरुद्ध, और केरला और तमिलनाडु, ये है साउथ इंडियन डायरबी जिसको हम बोलेंगे, वो आपको नजर आएगी दूसरे दिन ही सुबह 9 बजे के मैचेस में। तो ये चौथा गेम रहेगा, यानी केरला तमिलनाडु, देखना होगा कि कौन सी टीम इस साउथ इंडियन डर्बी में विजेता बनती है। दूसरा राउंड ऑफ द गेम्स 10 जनवरी के शुरू होंगे 1 बजे से, जिनमें आपको मिलेगी और चार मैचेस में आपको मिलेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश खेलेगा कर्नाटका के विरुद्ध, होस्ट कर्नाटका, उसके अलावा बी ग्रुप में आपको हरियाणा मिलेगा राजस्थान के विरुद्ध, ये रहेगी नॉर्थ इंडियन डर्बी। हरियाणा और राजस्थान ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो बहुत ही पड़ोसी के राज्य के तरह भी कह सकते हैं, पड़ोसी भी कह सकते हैं, एक हद तक नहीं भी है पड़ोसी लेकिन काफ़ी सिमिलर है। तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा नॉर्थ इंडियन डर्बी में हरियाणा और राजस्थान का गेम। सी ग्रुप में आपको मिलेगी एक और एक्सेप्शनल यहाँ पर चीज़ें, जहाँ पे आपको मिलेगी खेलते हुए महाराष्ट्र तेलंगाना के विरुद्ध, काफ़ी टफ गेम वो होने वाला है। और डी ग्रुप में आपको मिलेगी आखिरी मुकाबला असम और दिल्ली के विरुद्ध। तो ये रहेगा 10 जनवरी का लेखा जोखा। उसके अलावा तीसरे दिन और आखिरी दिन लीग स्टेजेस के गेम्स इस प्रकार से शुरू होंगे, आपको मिलेगी खेलते हुए गुजरात मिलेगी कर्नाटका के विरुद्ध, खेलते हुए ऑफकोर्स काफ़ी क्रूशल रहेगा। उसके अलावा आपको मिलेगी खेलते हुए आपको हारते हुए मिलेगी झारखंड के विरुद्ध, उसके अलावा आपको खेलते हुए मिलेंगे चंडीगढ़ महाराष्ट्र के विरुद्ध, और दिल्ली मिलेगी आपको तमिलनाडु के विरुद्ध खेलते हुए, ठीक है। ये रहेगा तीसरे दिन यानी कि 11 जनवरी के सुबह के मुकाबले। तो दोपहर के मुकाबले 11 जनवरी के 1 बजे के मैचेस इस प्रकार से शुरू होंगे, मध्य प्रदेश मिलेगा वेस्ट बंगाल के विरुद्ध, और उसके अलावा आपको मिलेंगे बी ग्रुप में ओडिशा मिलेगी राजस्थान के विरुद्ध खेलते हुए, सी ग्रुप में आपको मिलेंगे खेलते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो प्रतिद्वंदी जिनको हम बोलेंगे पड़ोसी, आर्च राइवल्स ही हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से रहेगा 23 तारीख को। और आखिरी दिन जो 24 का मुकाबला, आखिरी मुकाबला लीग स्टेजेस का रहेगा, वो रहेगा केरला और असम के बीच में। इसके साथ ही लीग स्टेजेस खत्म हो जाएंगे और फिर 2 सेमीफाइनल्स होंगे, हर ग्रुप के टॉपर्स सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आपको पूरे के पूरे तरीके से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसी चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।